They say a wise warrior knows how to avoid the battle. But can they really? I don't know. But today I'm at the National World War II Museum in New Orleans to witness the story of American experience in a war that changed the world. तो अभी ये टाइल्स दिख रही है तेरे को, ये देख नीचे, इसमें आई थिंक सारे मार्टिर्स के नाम हैं, तो आगे तक. हाँ, ये तो बहुत सारे आगे पूरे फ्लोर पे हैं. ऐसा है कि इसमें यहाँ पे इन्होंने हमें एक इंडिविजुअल पर्सन के साथ टैग कर दिया है जिसका डॉग टैग है. तो बेसिकली पर्सनल एक्सपीरियंस कर दिया हुआ इन्होंने. तो ये बी लाइक पार्ट ऑफ समबडीज जर्नी जो एक वर्ल्ड वॉर टू म्यूजियम में था. तो मैं लुइस मर्कल बन गया हूँ. तू क्या बनी है? मुझे नाम ही नहीं याद ही नहीं है. चल बाद में पता लग जाएगा नेट पर जाकर. तो उसकी जर्नी कैसी थी वर्ल्ड वॉर टू में, ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस कर दिया उन्होंने. तो अभी हम जा रहे हैं टोक्यो क्योंकि मेरी असाइनमेंट वहाँ पर. तो यहाँ आपने टैग के थ्रू साइन इन करना है सो दैट योर पर्सनलाइज एक्सपीरियंस बिगिंस. शायद कोई यूएस की सबमरीन टाइप है क्योंकि ऊपर तो देख सकते हो. तो यहाँ उस टाइम का एक एक्चुअल बोर्ड लगा हुआ है जो बताता है कि जापानीज आर्मी का किस दिन कितना नुकसान हुआ. और वाकई में यहाँ का एक्सपीरियंस इतना रियलिस्टिक एंड एंगेजिंग है दैट यू ट्रूली गेट इमर्स्ड इन इट. और ये वो कुछ एक्चुअल वेपन्स हैं जो वॉर में यूज हुए थे. तो म्यूजियम में आगे बढ़ते बढ़ते हम फाइनली पहुंच गए हिरोशिमा एंड नागासाकी साइट पे. और जैसा कि आप देख सकते हैं इट डिपिक्टेड टोटल chaos एंड utter destruction. और ये वो बॉम्बर प्लेन था दैट ड्रॉप्ड द एटॉमिक बॉम्ब ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा. यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा था दैट यू कुड लिटरली फील द डिस्ट्रक्शन दैट वुड हैव हैपेंड आफ्टर द ड्रॉपिंग ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब. तो अभी घूम लिया टोक्यो, नाउ टाइम टू गो टू बर्लिन. तो यहाँ दिखाया हुआ है कि ये द हाइट ऑफ इट्स सक्सेस जर्मन एम्पायर कितना फैला हुआ था फ्रॉम फ्रांस इन द ईस्ट ऑल द वे टू पार्ट्स ऑफ सोवियत यूनियन इन द वेस्ट.
जैसे अभी दिखाया हुआ है यहाँ पे बर्लिन 456 माइल्स, मतलब लाइव एक्सपीरियंस लगता है कि हाँ अभी हम बर्लिन जा रहे हैं, वी आर बीइंग पार्ट ऑफ द जर्नी। बहुत ठंड हो रही है भाई, स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे, तो मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे अब ये बर्लिन आ गए हैं तो यहाँ पे एकदम स्नोफॉल का एक्सपीरियंस है, सारा हर जगह वाइट वाइट है, फेक स्नो है बट पूरा एकदम लाइव एक्सपीरियंस इन्होंने जनरेट किया हुआ है। और वाकई में इस म्यूजियम का एक्सपीरियंस इतना रियलिस्टिक था दैट इट फेल्ट दैट यू हैव ट्रैवल बैक इन टाइम एंड यू आर विटनेसिंग द वॉर थ्रू योर ओन आईज। क्योंकि म्यूजियम इतना बड़ा है एंड देयर इज सो मच टू डू, यू डेफिनेटली नीड अ फुल डे टू एक्सप्लोर द होल म्यूजियम। तो यहाँ पे जैसे एकदम डिस्ट्रक्शन का बैकग्राउंड रखा हुआ है, जैसे बॉम्बिंग के बाद एकदम जैसे डिस्ट्रक्ट होता है सिटी, तो वैसा इतना एक्सपीरियंस किया हुआ। सो फाइनली आफ्टर अ फुल डे ऑफ एक्सप्लोरेशन वी कॉल इट अ डे एंड डिसाइडेड टू हेड बैक होम। फील में आ गया पूरे एकदम वर्ल्ड वॉर टू के फील में, जैकेट ले लिया वर्ल्ड वॉर वाली। बंदूक कहाँ मेरी? लिटरली इसका आई थिंक रैंक किसी सेगमेंट में नंबर टू है इन द वर्ल्ड, मैंने सुना था बट आज हाँ एक्सपीरियंस भी कर लिया, सही में बढ़िया है। तो अगर इफ़ यू आर इन न्यू ऑर्लींस देन दिस इज अ मस्ट प्लेस टू गो चेक आउट।